अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानिए। नमस्कार मित्रों, एसर इलेक्ट्रिकल चैनल में आपनों स्वागत छे। मित्रों, आज आपने पावर जनरेशन एंड सबस्टेशन विषयना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट टू नो अभ्यास करीशु। प्रश्न नंबर 187 छे, विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस जे छे एनो मुख्य घटक कयो छे? तो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, मिथेन। तो मिथेन गैस जे छे एनो मुख्य घटक छे। 188 नंबर छे, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन सोलर पेनल। सोलर पेनल में विद्युत कई रीते उत्पन्न थाय छे? तो जवाब छे डी फॉर दिल्ली, व्हाइल सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल जे छे एना पर जारे सूर्यना किरणों पड़ता होय छे त्यारे तेमा विद्युत जे छे उत्पन्न थती होय छे। 189 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एर प्री हीटर इन ए स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन में एर प्री हीटर नो हेतु शू छे? तो जवाब छे डी फॉर दिल्ली, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस एंड हीट्स इनपुट एर। एटले के बॉयलर माथी उत्पन्न थता फ्लू गैस जे छे ए फ्लू गैस नी गर्मी नो उपयोग सुपर हीटर अने इकोनोमाइजर में करवामां आवे छे। छता फ्लू गैस में अमुक प्रमाण में गर्मी होय तो तेनो उपयोग अपने बॉयलर ने पोचाड़वामां आवती जे हवा छे ए हवा ने गरम करवा माटे करीए छे। प्रश्न नंबर 190 छे, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट नो मुख्य गैरलाभ शू छे? तो जवाब छे ए फॉर अहमदाबाद, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। एनो जे कचरो होय छे ए कचरानो निकाल करवानो एनुं काम जे छे बहु अघरू होय छे, तो आ तमारो न्यूक्लियर जे पावर प्लांट छे एनो गैरफायदो छे। 191 नंबर छे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर जे छे एनो हेतु शू छे? तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, हीट्स द फीड वॉटर बाय द फ्लू गैसेस। एटले जे फ्लू गैस जे छे ए फ्लू गैस द्वारा जे पानी जे छे पानी ने गरम करवामां आवतुं होय छे। 192 नंबर छे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। ऊर्जाना बिन परंपरागत उत्पादनों फायदो शू छे? जवाब छे डी फॉर दिल्ली, रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन छे प्रदूषण छे एने ओछू करे छे। 193 नंबर छे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज कंट्रोलर इन बैटरी बेस्ड माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन। तो बैटरी थी चलता हाइड्रो पावर प्लांट में चार्ज कंट्रोलर नो शू हेतु छे? जवाब छे सी फॉर चेन्नई, प्रिवेंट्स द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी ने ओवर चार्ज थती अटकावे छे। तो आज छे चार्ज कंट्रोलर नो काम होय छे। 194 नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेरेज इन टाइडल पावर स्टेशन। टाइडल पावर स्टेशन में बेरेज जे छे एनो हेतु शू छे? तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, टैप द वॉटर एट द एंट्रंस ऑफ गल्फ। 195 नंबर, व्हिच कॉम्पोनेंट इन ए स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू हीट द फीड वॉटर फ्रॉम द फ्लू गैस। स्टीम पावर प्लांट में पानी ने गरम करवा माटे कयू साधन वपराय छे अथवा तो के वापरवामां आवे छे? तो जवाब छे इकोनोमाइजर। एना पछी छे आपणे 196 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज वॉटर रिएक्टर PWR। प्रेशराइज वॉटर रिएक्टर एटले के PWR छे एनो फायदो शू छे? तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, इट हैज हाई पावर डेन्सिटी। 197 नंबर, विच पावर जनरेशन प्लांट इज हैविंग मोर रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन। कया ऊर्जा उत्पादन प्लांटनू कार्य वधु भरोसापात्र छे? तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, न्यूक्लियर पावर प्लांट। 198 नंबर, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन ओवर कन्वेंशनल पावर जनरेशन। ऊर्जाना परंपरागत उत्पादन करता बिन परंपरागत उत्पादनों गैरफायदो शू छे? तो जवाब छे डी फॉर दिल्ली, कैन नॉट बी यूज फॉर बेज लोड डिमांड। 199 नंबर,
What is the major disadvantage of wind power generation? पवन ऊर्जा उत्पादन नो गैरफायदो शू छे? तो जवाब छे डी, विंड पावर इज नॉट कॉन्स्टंट एंड स्टेडी, जे पावर जे छे ये स्थिर नथी। 200 नंबर जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाइन यूज इन टाइडल पावर जनरेशन? भरती ऊर्जा उत्पादन में टर्बाइन नो शू हेतु छे? तो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, स्थिति शक्ति नो गति शक्ति में रूपांतर करे छे। 201 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? ऊर्जा ना बिन परंपरागत उत्पादन नो फायदो शू छे? तो मित्रों जवाब छे डी फॉर दिल्ली, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एवॉइडेड। 202 नंबर छे, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वॉटर फ्लोइंग इज कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू जनरेट पावर? वहता पानी में रहेल स्थिति शक्ति जे छे तेनु गति शक्ति में रूपांतर करीने कई रीते ऊर्जा उत्पन्न करवामां आवे छे? तो जवाब जे छे मित्रों डी फॉर दिल्ली, बाय क्रिएटिंग हाई हेड थ्रू पेन स्टॉक। 203 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन? न्यूक्लियर फिजन वक्त उत्पन्न थता रेडियो एक्टिव किरणों थी शू असर थाय छे? तो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, क्रिएट्स हेल्थ हेजर्ड, एटले आपनो जे श्वास थाय छे एना पर एक प्रकारनो खतरो उत्पन्न करे छे। 204 नंबर जे छे, व्हाट हैपन्स टू सोलर सेल इफ द इंटेन्सिटी ऑफ लाइट इज लो? जो प्रकाशनी तीव्रता ओछी होय तो सोलर सेलनी साथे शू थाय छे? तो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, आउटपुट डिक्रीज, એટલે પ્રકાશની તીવ્રતા ઓછી હશે તો સોલર સેલનો આઉટપુટ કેવો હશે? ઓછો હશે। 205 નંબર, વોટ ઇઝ ધ આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઓફ એ સોલર સેલ ઇફ લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ હાઈ? જો પ્રકાશની તીવ્રતા વધુ હોય તો સોલર સેલનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ શું હોય છે? તો જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે, આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, એટલે પ્રકાશની તીવ્રતા વધારે હશે તો સોલર સેલ જે છે આઉટપુટમાં વધારે વોલ્ટેજ આપશે। તો મિત્રો પાવર જનરેશન અને સબસ્ટેશનના મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનનો આ વિડીયો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું છું કે આપને એ પસંદ આવેલ હશે। જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આભાર મિત્રો, થેન્ક યુ વેરી મચ।